सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। उड़ने में कोई बुराई नहीं है, आप भी उड़ सकते हैं, लेकिन उतना ही जहाँ से जमीन साफ दिखाई देती हो। पेड़ के नीचे रखी भगवान की टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी हो पर कभी खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी तो औकात ही क्या है। आज का पंचांग 20 सितंबर 2021 दिन सोमवार, भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष के पूर्णिमा तिथि, सुबह 5:24 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्व भाद्रपदा नामक नक्षत्र सुबह 4:02 तक रहेगी। इसके उपरांत उत्तर भाद्रपदा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:48 से 9:19 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:56 से 12:44 तक रहेगा। आज चंद्रमा कुंभ राशि पर रात्रि 9:51 तक रहेगी। इसके उपरांत मीन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य कन्या राशि पर रहेंगी। मीन राशि 20 सितंबर 2021 दिन सोमवार, जो चीजें आपके नियंत्रण में नहीं है उनके लिए अनजाना और दोषी महसूस कर सकती हैं। अतीत में कोई चिंता फिर आपको परेशान करेगी, अपने अंतर्ज्ञान का पालन करें। शारीरिक व भावनात्मक स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वो करें। अप्रत्याशित रूप से धन मिलेगा, सोच समझ कर निवेश करें। जीवन को नए सिरे से शुरू करने का समय आ चुका है तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से मिलें। नया दौर समृद्धि और भावनात्मक स्थिरता देगा। भावुक स्वभाव को बदलें और ताकि आपस की गलतफहमी दूर की जा सके। दुनिया आपको गिरा सकती है पर हरा तब तक नहीं सकती जब तक आप खुद हारना ना चाहें। घर में धार्मिक कृतज्ञ संबंधित कोई कार्य संपन्न हो सकता है जिसकी वजह से सकारात्मक ऊर्जा व्याप्त रहेगी। संतान की चल रही किसी समस्या का समाधान मिलने से मन में सुकून रहेगा। घर के बड़े बुजुर्गों का मान सम्मान व आदर बनाए रखें। गलत लोगों की संगत का असर आज आपके जीवन शैली पर दिख सकता है। जिस प्रकार के लोगों के साथ आप वक्त बिताते हैं आपके विचार भी उन्हीं की तरह तुरंत बन जाते हैं और आप अच्छाई और बुराई में फर्क करना भूल जाते हैं। जितने भी आपको बहकाने की कोशिश करें आपको अपनी बातों से और लक्ष्य से हटना नहीं है, इस बात को ध्यान में रखें। यदि आप भागीदारी में व्यापार करने की सोच रहे हैं तो योग्य भागीदार का चुनाव करना अत्यंत आवश्यक होगा। फिलहाल जिस व्यक्ति के बारे में आप सोच रहे हैं केवल अपने फायदे के बारे में सोचेगा। आपके अंदर की इनसिक्योरिटी को दूर करने के लिए पार्टनर का सहयोग महत्वपूर्ण होगा। सावधानियां, कभी कभी आपके अत्यधिक हस्तक्षेप की वजह से घर का माहौल बिगड़ सकता है। अपने व्यवहार को संयमित रखें। भाइयों के साथ किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है, मामलों को शांतिपूर्ण तरीके से निपटाने का प्रयास करें। बात करते हैं लव लाइफ की। परिवारजनों के साथ कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। मित्रों और नजदीकी संबंधियों के साथ मिलना जुलना आपको खुशी प्रदान करेगा। अपने दिल की बातों को शेयर करता है तो इसका अर्थ है कि वो आपके प्रति आकर्षित है। इस मौके को व्यर्थ न जाने दें। आज के दिन आपके लिए आशा उत्साह और अवसरों को लेकर आया है। अपने साथी के साथ अपने विचारों को बांटे ताकि गलतफहमियों को दूर किया जा सके। आपके जीवन का यह चरण समृद्धि सफलता और सहानुभूति से भरा हुआ है। याद रखें रिश्ते और रास्ते तब खत्म हो जाते हैं जब पाँव नहीं दिल थम जाते हैं। बात करते हैं करियर की। जीवन में आए खतरे और अपमान आपके हौसले ही तोड़ पाएंगे। अपने करियर को बढ़ाने के बारे में भी विचार करें और मानसिक शक्तियों का सही प्रयोग करें। करियर या निजी जीवन के
रहस्यों को उजागर करने का समय अभी आ चुका है। सितारे आपके जीवन को समृद्धि, सफलता और नई संभावनाओं से भरने की ओर इशारा कर रही हैं। कार्यस्थल में आज आपको विजय प्राप्त हो सकता है, जिससे आप अच्छा महसूस करेंगी। खुद पर विश्वास और अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। बात करते हैं सेहत की। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, लेकिन वर्तमान मौसम की वजह से लापरवाही बिल्कुल भी ना बरतें। अपनी दिनचर्या पूरी तरह व्यवस्थित रखना भी जरूरी है। आज का उपाय, आज आप शिवलिंग पर जल अर्पित करें, शुभ रहेगा। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।